हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल ट्यूशन में। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1, दैट इज रियल नंबर। अभी तक हमने इस टॉपिक पे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो यदि आपने वो वीडियोस को विजिट नहीं किया है तो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू विजिट दैट वीडियोज। आपको इसका पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट दिख जाएगा इस वीडियो के अंत में, तो आप जा करके उस प्लेलिस्ट को विजिट करें और वन बाय वन आप ईच एंड एवरी टॉपिक्स को स्टडी करें और अपना कॉन्सेप्ट जो है इस टॉपिक के रिलेटेड में बिल्ड करें। पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे रूट टू को हम कैसे इरेशनल नंबर प्रूव करते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रूट थ्री को हम इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करेंगे। तो प्रोसेस जो है कहीं पर भी डिफर नहीं करेगी, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि प्रोसेस वही रहने वाला है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, सारा कुछ वही रहेगा, तो क्वाइट ईजी हो जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो यदि मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल बटन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आगे के वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, और मेरे हर एक वीडियो को लाइक करके मेरे को मोटिवेट करें, जिससे कि आगे भी मैं आप सभी के लिए इस टाइप के वीडियोस लाता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि रूट थ्री को इरेशनल नंबर हम कैसे प्रूव करेंगे। जैसे कि आपको मालूम ही होगा जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा कि हमने क्या किया था। क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है, बट मैंने क्या किया था, रूट थ्री को एक रेशनल नंबर के तौर पे माना था। रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर क्या होता है वो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है। इसके रिलेटेड में आपको वीडियोज़ भी मिल जाएंगे, जो मैं प्लेलिस्ट बोल रहा हूँ ना इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट पे आप जा करके विजिट करें। आपको व्हाट इज रेशनल नंबर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स वहाँ पर डिस्कस करे गए हैं, तो वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट जो है इस टॉपिक के रिलेटेड में एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जो भी डाउट्स होगा ना वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे को पर्सनली मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आगे क्या होगा। आगे मैं क्या करूँगा, रूट थ्री को तो रेशनल नंबर लेट कर लिया, इसके बाद मैंने क्या बोला था कि हम एक वेरिएबल्स लेंगे, जैसे p बाई क्यू होता है ना उसी तरीके से a बाई बी, लेकिन ये जो a बाई बी जो रेशनल नंबर होगा ना, दैट विल बी व्हाट इन सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, ठीक है, इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, देन यदि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है इसका मतलब क्या हुआ कि a एंड b इंटीजर है, ए एंड बी आर इंटीजर हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन वेयर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ए एंड बी आर इंटीजर हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, उसको हम बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। आपको सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब समझ में आ ही गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो ए एंड बी और रूट थ्री दोनों ही क्या है, रेशनल नंबर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, मैं ये ज़रूर लिख सकता हूँ ना कि दैट ए बाई बी इज इक्वल्स टू रूट थ्री, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये रूट थ्री को मेरे को यहाँ से हटाना है, कैसे हट सकता है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके। तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। यहां पर मैंने बोथ साइड क्यों लिखा, क्योंकि मैं सिर्फ इसको तो नहीं हटा सकता ना। इक्विवेलेंट क्या बोलता है कि जब तुम एक साइड या फिर नॉमिनेटर में ही तुम कुछ चेंजेस करने की कोशिश करते हो खुद से, तो उसको इक्वलाइज करने के लिए तुमको डिनोमिनेटर में भी वही चीज करना होगा। तो वही सेम केस होता है, यदि तुम यहाँ पर कुछ चेंजेस कर रहे हो अपने से, तो उसको इक्वलाइज करने के लिए या इक्विवेलेंट करने के लिए हमें दूसरे साइड में भी करना होगा, इसीलिए हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं। तो करेंगे तो क्या होगा, ये थ्री हो जाएगा और ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू थ्री बी स्क्वायर। चलो, जो पिछला वीडियो में हमने करा था पहला कंडीशन आ गया। अब ये आने के बाद हम क्या करेंगे, तो हमें पता है कि
यहाँ पर क्या है, थ्री है। इसका मतलब क्या है कि ये जो थ्री बी स्क्वायर है ना, थ्री बी स्क्वायर, वो आराम से थ्री से डिवाइड हो जाएगी, है ना, थ्री से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि थ्री आज ए कॉमन है तो थ्री से आराम से डिवाइड हो सकती है। सो वी कैन राइट थ्री डिवाइड्स थ्री बी स्क्वायर, ठीक है ना, क्लियर है। तो बताओ यदि थ्री बी स्क्वायर को थ्री डिवाइड कर सकता है तो क्या ए स्क्वायर को नहीं करेगा, दोनों तो सेम ही है ना। सो वी कैन राइट थ्री, देयर फोर थ्री डिवाइड्स ए स्क्वायर। और हमने थ्योरम वन में पढ़ा था कि यदि थ्री डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो हमें ये भी तो मालूम है कि थ्री डिवाइड्स ए, थ्री ए को भी तो डिवाइड करेगा, ठीक है, ये थ्योरम वन ही हमें बोला था ना। तो चलो अब यहाँ पर क्लियर हो गया कि थ्री जो है ना वो ए को डिवाइड कर रहा है, बट ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि क्या बी को भी डिवाइड कर सकता है। तो चेक कर देते हैं, यदि बी को भी डिवाइड करेगा तो बहुत अच्छा होगा, क्यों अच्छा होगा देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट क्या करेंगे, तो लेट हम करेंगे ए इज इक्वल्स टू थ्री सी, ठीक है ना। थ्री सी मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये भी जो थ्री सी जो है वो थ्री से डिवाइड होना चाहिए, है ना, जिसके साथ साथ ए भी थ्री से डिवाइड होगा, इसीलिए मैंने थ्री सी ले लिया। मैं क्या करूँगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूँगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब ये बताओ फिर से कि मैंने यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्यों किया, ठीक है ना, मन में उठ रहा होगा क्यों किया मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इसका रीज़न है, यहाँ पर वैल्यू ए का किस में है, ए स्क्वायर के फॉर्म में है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यदि मैं करूँगा तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री थ्री इज नाइन, सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, सी स्क्वायर हो गया। ये जो वैल्यू आया है ना ए स्क्वायर का, इसको मैं इसमें जा करके पुट कर दूंगा, ठीक है, पुट करूंगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर के जगह पे मैं नाइन सी स्क्वायर लिखूंगा, नाइन सी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री बी स्क्वायर है ही, थ्री बी स्क्वायर हो गया, यहाँ से ये कट गया थ्री आया, तो क्या बचेगा, थ्री सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। फिर से देखो वही कंडीशन आ गया कि नहीं आया, बोथ द कंडीशंस आर सेम ना। तो यहाँ पर मैं फिर से लिख सकता हूँ कि यदि ये थ्री सी स्क्वायर थ्री से डिवाइड हो सकता है, थ्री डिवाइड्स थ्री सी स्क्वायर, तो क्या थ्री बी स्क्वायर को डिवाइड नहीं करेगा, दोनों तो सेम ही है ना। और यदि ये थ्री बी को डिवाइड, बी स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो क्या थ्री बी को डिवाइड नहीं करेगा, थ्योरम ही हमें क्लियर किया हुआ है ना। तो देखो फिर से थ्री जो है बी को भी डिवाइड कर रहा है, थ्री जो है ए को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर बोल रहा था कि ए और बी का वन के अलावा कोई अदर फैक्टर है ही नहीं, है ना, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, बट यहाँ पर तो थ्री निकल रहा है, थ्री है ना दोनों का, सो इट मीन्स वी कैन से दैट थ्री इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। यहाँ पर क्या हो गया, द कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज बाई एज्यूमिंग रूट थ्री इज रेशनल नंबर, ठीक है। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ कि रूट थ्री क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, कहीं पर भी डाउट होगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में भी हम इसी टाइप के क्वेश्चंस पे और डिस्कस करेंगे। टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।